श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंदस्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये दूसरा प्रकरण, वैसे तो पहला और दूसरा प्रकरण एक ही है, तो पहला प्रकरण वो मंगलाचरण है, तो दूसरा प्रकरण अब उस बात को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये भी एक हिसाब से कहें तो मंगलाचरण जैसे उसके मिलता जुलता ही है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से परमधाम के द्वार खुले हैं, तो कहने का तात्पर्य तो उन्होंने ही परमधाम का वर्णन करवाया है, ये कहना चाह रहा है। ये प्रेम का द्वार, तो प्रेम से तो सारा परमधाम दिखाया। अब हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आदेश से परमधाम के द्वार खुलवाए हैं। लिया अपने हाथ हुक्म, उन्होंने हुक्म को, आदेश को अपने हाथ में ले लिया है। दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे कृष्ण। अब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं के हृदय में आकर उसको परमधाम बनाकर विराजमान हो गए हैं। हक अरस दिल मोमिन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम वो तो ब्रह्मात्माओं का हृदय है। और अरस हक खिलवत, तो परमधाम में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, तो दूसरे तो कोई परमधाम में है ही नहीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त। वाहिदत्त बीच अरश के है, अरश में अपार न्यामत। तो वाहिद बोलते हैं अद्वैत, तो अद्वैत परमधाम में, परमधाम तो अद्वैत भूमि का है और परमधाम में सब प्रकार की संपदा है। जब वो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम बनाते हैं तो ब्रह्मात्माओं को पूरा पूरा ख्याल आ जाता है परमधाम का, ये कहना चाह रहे हैं। ए शायदे जाहिर सुनो जो लिखी माए फुरमान, ये साक्षी आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि जो फुरमान में लिखी है। फुरमान कहने से कोई भी ग्रंथ जिनमें परमधाम के विषय में बात की हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में बात की हो, वो परमात्मा का संदेश जिसमें उल्लेख हो। अर्श कया दिल मोमिन, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है। अर्श में सब पहचान, जब परमधाम ब्रह्मात्माओं के हृदय होता है तो वो सब कुछ अपने आप पहचान कर लेगा, उसको सब प्रकार की पहचान होगी। हा कहा दि रूहें अर्श में और इसके इल्म बेशक, तो परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं, श्यामा जी होती है, ब्रह्मात्माएँ होती है, तो उनका प्रेम है, इश्क, इल्म। तो ये बेशक इल्म का तात्पर्य तो ये संदेह निवारक ज्ञान, दुनिया का ज्ञान और परमधाम के ज्ञान में फर्क है। जोश हुकुम मेहरबानगी जोश है, आदेश है, कृपा है। हकीकत मार्फत मुतलक, तो यथार्थता और पहचान ये निश्चित रूप से तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में है। जब परमधाम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो उनको सब कुछ सब प्रकार की पहचान होती है। दिल मोमिन अर्श कया, सब अर्श में न्यामत। परमात्माओं के हृदय को जब परमधाम कह दिया तो परमधाम में तो सब प्रकार की संपत्ति होती है, नियामत बोलते हैं संपत्ति को, संपदा। सो क्यों न करे दिल वर्णन, तो परमात्माओं का जब हृदय परमधाम हो गया तो परमधाम का वर्णन कैसे नहीं कर पाएगा। जाकि हकसो निश्वत, तो जिनका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध है तो ऐसे ब्रह्मात्माएं परमधाम का वर्णन कर सकती है। सब बातें हैं अर्श में और अर्श में वाहिदत, सारी संपदा परमधाम में है। परमधाम अद्वैत भूमि का है। हौज जुए बाग अर्श में हक खिलवत, तो जो भी परमधाम में ताल है, यमुना जी है, बाग है, सब कुछ है। और तो परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में बैठने के स्थान भी हैं। जो अरश कया दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन। जब ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा तो फिर ब्रह्मात्माएं परमधाम का वर्णन क्यों नहीं कर पाएगी। जिन दिल में ये नियामतें, जिनके हृदय में ये सारी संपदाएं हैं नियामत, सो मुतलक अरश रोशन, तो उनको तो परमधाम का प्रकाश निश्चित रूप से होगा ही ना। हो तो परमधाम को समझेंगे और परमधाम दिखेगा। कहने का तात्पर्य है रोशन। हम सिर हुकुम आइया, तो हमारे सिर पर तो हुकुम आया है। कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें दायित्व दिया है। अर्श हुआ दिल हम, तो हमारा हृदय परमधाम बना है। एक आम हक इल्म का, तो सुख काहे न लेवे खसम। जब ब्रह्म ज्ञान का कार्य ही यही है कि परमधाम का वर्णन करके बताना, तो फिर हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुख क्यों नहीं लेंगे, तो हम लेंगे ही ना। कया अर्श हमारे दिल को है हम ही हक हुकुम, तो हमारे हृदय को परमधाम कहा है। और हम ही हक हुकुम, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हम पर ही हुआ है। क्यों ना आवे इस कहा का, तो हमारे अंदर पूर्ण ब्रह्म का प्रेम प्रकट कैसे नहीं होगा। यों बेशक हयाति इलम, इसी प्रकार निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान अखंड ज्ञान है, वो भी प्रकट होगा। हयाति का तात्पर्य अखंड, तो ब्रह्म ज्ञान भी अवश्य प्रकट होगा। चरण वासा हमारे दिल में रहे रुआ के नैनों माहे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण तो हमारे हृदय में विराजमान है। और रहे रूह के नैनों में, वो तो आत्मा के नेत्र कमल के अंदर पड़े हुए हैं चरण। क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक के जाएं, तो हम तो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं वहीं रहते हैं, तो फिर वे हमसे दूर कैसे होंगे। मेरे सब अंगों हक हुकुम, मेरे रोम रोम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश समाया हुआ है। बिना हुक्म जरा नहीं, उनके आदेश के बिना तो कुछ भी नहीं है। सोई हुक्म हक में हक बसे अरश में ताहीं, तो वो हुक्म है वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। हक बसे अरश में ताहीं, तो उसी हृदय रूपी धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। मेरे हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, ये कहने का तात्पर्य। हम अरस परस हैं हक के, हम तो अक्षरातीत के साथ में अरस परस हैं। ये देखो मोमिनो हिसाब, तो देखो ब्रह्मात्माओं इस हिसाब को अब कैसे अरस परस है वो समझा रहे। हम हक में, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें अपने दिल में बैठाते हैं, इसलिए हम उनके दिल में। हक हम में, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। और हक बिना सब ख्वाब, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त सब ख्वाब है, तो उनके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए। हक हुकुम सब मिलाइया अरश मशाला पूर्ण, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश ने सारी व्यवस्था कर दी। सब मिलाइया कहने का तात्पर्य सब व्यवस्था कर दी है। अरश मशाला पूर्ण, तो परमधाम की सारी वस्तुएं, मसाला का तात्पर्य सामग्रियाँ, वो भी सारी ये सामग्री इस प्रकार से है, तो किस तरह से वर्णन करना है वो सारी बातें तो समझा दी है। हादि रूहों जगावने करावने हक वर्णन, तो ये सब ज्ञान क्यों दिया है? तो हादि और रूहों को जगाने के लिए, श्री श्यामा जी और परमात्माओं को जगाने के लिए, और करावने हक वर्णन और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, उनकी लीला कैसी है, तो इन सब को समझाने के लिए। आखिर मोमिन आकल कया जिनका दिल आरस, तो आखिर के समय में कथे परंपरा में कहते हैं कि ये आखिर का समय है, तो ऐसे समय में प्रकट होने वाले ब्रह्मात्माएँ हैं वो बड़ी ही समझदार कही गई है। क्यों? कया जिनका दिल आरस, उनका दिल ही परमधाम है, तो हक दिल का जो इश्क सो मोमिन पीवे रस, इसलिए ब्रह्मात्माएँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय के प्रेम रस को पान करती ही रहती है। विचार करे दिल मोमिन जो अर्श मता दिल हम, तो हे ब्रह्मात्माओं तुम विचार करके तो देखो, यदि विचार करके देखोगे, ब्रह्मात्माएं विचार करके देखेंगे तो अपने दिल से, तो क्या पता चलेगा? तो अर्श मता दिल हम, परमधाम की सारी सामग्री हमारे दिल में है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब विराजमान होते हैं तो सारी सामग्री लेकर विराजमान होते हैं ना। तो हक दिला होशी कौन न्यामत, जब हमारे हृदय में भी इतनी सारी संपदा है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में कितनी बड़ी संपदा होगी। जो हक वाहिद तक सम, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अद्वैत भूमिका के स्वामी हैं, फिर उनके हृदय में क्या कुछ नहीं होगा। देखो मोमिनों के दिल में कई केती अर्श बरकत, परमात्माओं के हृदय को जरा विचार करके तो देखो उनके हृदय में कितनी बड़ी शक्ति है परमधाम की। विचार देखो हक दिल में क्या होशी हक न्यामत, और जब परमात्माओं के हृदय में इतनी वस्तु है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में क्या होगा, उसको विचार करके तो देखो। क्या हो श्या कन्यामत, तो उनके अंदर तो कितनी संपदा होगी अखंड, तो जिसका कोई पारावारी नहीं है। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, श्री श्यामा जी, परमधाम ब्रह्मात्माएँ, तो ये सब सबसे पहले तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में है। जो चीज़ें प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना ही, जो वस्तुएं ब्रह्मात्माओं को प्यारी है तो उनको परमात्मा कभी छोड़ते नहीं है, तो उसको तो हमेशा साथ में रखते। तो मता कया दिल मोमिना सो मोमिन दिल समेत, इसलिए ब्रह्मात्माओं के दिल को बहुत बड़ी मता, बहुत बड़ी संपत्ति, परमात्माओं के दिल में बहुत बड़ी संपत्ति ऐसा कह दिया। सो मोमिन दिल समेत, तो वो ब्रह्मात्माएँ दिल के साथ में, सो बसत हक के दिल में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में जब विराजमान होती है, सो हक दिल मता रूह लेत, और वो ब्रह्मात्माएँ हृदय में बैठ करके तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय की संपदा है उसका अनुभव करती है। जो रूह पैठे आका दिल में सो मगन माहे न्यामत, जो ब्रह्मात्मा पूर्ण ब्रह्म के हृदय में एक बार चली जाती है, सो मगन माहे न्यामत, वो तो वहाँ पर अपार संपदा है उसी में मस्त हो जाती है। सोते त पड़ी कदी खोज में जो छूटे ना लगे क्यामत, यदि अक्षराते धामधनी के हृदय में वो प्रेम को और सामग्री को एक एक को देखने लग जाए तो क्यामत तक वो देख नहीं पाएगी। कहने का तात्पर्य तो जीवन भर देखती रहे, देख नहीं पाएगी, पूरी नहीं होगी। इतनी ज़्यादा संपदा उनके हृदय में विराजमान है, ये कहना चाह रहा है। जो सुराई हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने, तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम की सुराई उनके हृदय में भरी हुई है, प्रेम का पात्र भरा हुआ है। सो इसका हक दिल मिने, वो पात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में प्रेम का पात्र है जिसमें प्रेम भरा हुआ है। तो ये तो समझाने के लिए है, तो वो कोई पात्र उत्र की जरूरत ही नहीं है, वो दिल ही पात्र है। सो मोमिन पीवे कोई पैठके, कोई परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में घुस जाए, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी को अपने दिल में ले लेंगे तो फिर वो तो उसके हृदय में बैठ, उनके हृदय में बैठ करके वो उसको रस को पान करती रहेगी, ये कहने का तात्पर्य। और पिया न जाए कि नहीं, दूसरों से तो कभी ये रस पान किया ही नहीं जाता, दूसरे लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ये रस प्राप्त है। ब्रह्मात्माओं को भी ये रस पीने का सौभाग्य प्राप्त है। कुलप था एते दिन द्वार इश्क खोलिया किन, अभी तक तो ताला लगा हुआ था इस द्वार में ना, ये प्रेम का द्वार है, अभी किसी ने खोला ही नहीं था अभी तक। सो खोल दिया के मेहर कर, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर कृपा की और सदगुरु को खोल करके दिखा दिया अपने हाथ, मोमिन अपने हाथ में, और एक ब्रह्मात्माओं को फिर उसके वो सारा ब्रह्मात्माओं के हाथ में ये सब दे दिया। गंज खोलसी इसका, वो प्रेम के गंज को, गंज का गंज बोलते हैं, पूरा उसमें पूरा भरा हुआ, तो ऐसे वो प्रेम के ऐसे गंज को खोलेंगे। मोहर होती जिन पर अभी तक मोहर था, सील लगी हुई थी कि कोई खोल करके बता ही नहीं पा रहा था। लेसी अछूत प्याले मोमिन, अभी तक किसी के द्वारा छुए नहीं गए ऐसे अछूते प्याले, अछूते प्रेम को ब्रह्मात्माएं प्याले भर भर करके पियेंगे। हके खोली मोहर फजरा, उन्होंने अब ये ब्रह्म ज्ञान का फजर प्रभात करके तो पूरा वो प्रेम का द्वार खोल दिया और ब्रह्मात्माओं को जितना चाहिए उतना ले करके पान कर पाएगी। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हके खोली मोहर फजर, गंज खोलसी इसका का, मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिना। हके खोली मोहर फजर, हके खोली मोहर फजर। जय।